जय लोधी सर, जय भवानी। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट संजय लोधी ग्राम असोखर जलाभंड मध्य प्रदेश से, और हमारे साथी इंजीनियर अनिल राजपूत ग्राम एटोरा बुजुर्ग जिला महोबा उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल लोधी क्षत्रिय रिएक्शन पे। दोस्तों, लोधी राजवंश के इतिहास में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इस रियासत पे राय बहादुर राजा इंद्र राज सिंह का आधिपत्य था। कामठा रियासत में 385 गांव की जमींदारी थी एवं लगभग 7000 एकड़ जमीन का आधिपत्य था। दोस्तों, एवं इस रियासत का विस्तार भंडारा जिले के अतिरिक्त जिला नागपुर और जिला चांदा में भी था। दोस्तों, लगभग 2 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी वाली यह रियासत बहुत प्रसिद्ध रियासत थी एवं बाद में राय बहादुर राजा इंद्रराज सिंह के 3 पुत्र हुए और यह रियासत 3 भागों में विभाजित हो गई। राय बहादुर कुंवर लाल सिंह को हिंडरमाली की जागीरदारी मिली एवं राय बहादुर कुंवर दिवाकर सिंह को फूलचोर की जमींदारी मिली एवं राय बहादुर कुंवर तिलक सिंह को कामठा रियासत की जमींदारी मिली। बाद में इनके और उत्तराधिकारी होते गए, जिसका कि वंश वृक्ष हम डिस्प्ले पे आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों, इस रियासत ने कई ऐतिहासिक इमारतों को निर्मित किया एवं कई समाज के ऐतिहासिक कृत्यों में आर्थिक रूप से सहयोग किया, विभिन्न अस्पताल भवनों में अपना सहयोग दिया। हम ऐसी कामठा रियासत को बारंबार नमन करते हैं जिन्होंने कि लोधी समाज में एक नई चेतना जागृत करने का कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।